हमें आगे के शूट के लिए भी तैयारी करनी है। निधि ने तेजस की तरफ देखा और फिर डायरेक्टर को देखकर गहरी सांस लेकर कहा, मैं किस सीन नहीं करूंगी। ये सुनकर सब हैरान हो गए थे। वहां हर कोई जानता था कि भव्य और निधि एक रिलेशनशिप में है, पर फिर भी निधि ने उस सीन को करने से मना कर दिया। भव्य इस बात से बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि लोगों के सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे रिजेक्ट कर रही है। यह सोचते हुए वो निधि के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर कहा, तुम्हारा मतलब क्या है निधि? निधि ने उसका हाथ झटका और कहा, यही कि मैं ये नहीं करूंगी। एमएस हाउस, ऐसी जगह जहां के सारे घरों को बंद कर दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी रहने के लिए ठीक नहीं थी। जगह खंडर थी और वहां मौजूद हर एक घर काले और धूल से सने दिख रहे थे। उन्हीं घरों के बीच एक घर में एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कुछ लोगों के हंसने की भी आवाज़ आ रही थी। आदमियों का ग्रुप टेबल पर शराब लेकर बैठा था। उसमें से एक ने कहा, भाई आज तो मजा आ जाएगा, देखो कितनी मस्त है। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ पहले तो मैं ही जाऊंगा। पहले आदमी ने उसे घूर कर कहा, तू क्यों जाएगा, मैंने उसे वैन में खींचा था। दूसरे आदमी ने अपने ग्लास की शराब पी और कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में चले जाएंगे। वहां बैठे कई सारे लोग बहुत बेकार बातें कर रहे थे जिसे सामने मौजूद कमरे में लड़की सुन सकती थी। अहाना बेड पर सिमट कर बैठी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका चेहरा लाल था और उसके होठों के कोने पर खून की लकीर थी। एक आदमी उसके सामने खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और लाल आंखें थी और उसके हाथ में पुराना बेल्ट था जिस पर खून के धब्बों को सूखा और काला देखा जा सकता था। उसने बेल्ट को घुमाया और जोर से फिर से आहना पर वार किया। लाल रंग का निशान तुरंत उसकी सफ़ेद स्किन पर बन गया और दर्द से उसकी चीख निकल गई। आदमी शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए उसके पास कूदकर बेड पर बैठा और उनके गालों को खींचते हुए कहा, तुम कितनी मोटी हो गई, क्या तुम्हें खाने को ज्यादा मिल रहा है? गलत बात, तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी, वो भी दो दिन पुराना, और अब देखो तुम पहले कितनी अच्छी दिख रही थी और अब देखो तुम्हारे शरीर पर कितनी मोटी चमड़ी आ गई है। पहले तुम्हारी हड्डियों पर मारने में जो आवाज़ आती थी अब वो नहीं आ रही है। ये कहते हुए वो उसके हाथों को नोच रहा था जिससे उसके गहरे नाखून उसकी स्किन में धंसते जा रहे थे। आहना ने रोते हुए कहा, जय मुझे छोड़ दो, हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। जय ने उसे बेड पर धक्का देकर गिराया और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, फिर से कहो तुम कुछ कहती क्यों नहीं। ये बोलकर वो लगातार उसे थप्पड़ मारे जा रहा था और आहना को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय बाद वो मर जाएगी। जय ने उसके कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया और अब उसके शरीर पर नाम भर के ही कपड़े बचे थे। उसने अपनी सिगरेट से उसके शरीर पर जगह जगह निशान बनाते हुए कहा, तुम्हारे पास एक नया आदमी है जिसके साथ तुम बाहर गाड़ी में घूम रही थी, लगता है तुम्हें मेरी याद आ रही थी, इसीलिए शायद तुम्हें एक शरीर की कमी महसूस हो रही थी, पर अब नहीं होगी। ये कहते हुए वो उसे किस करने लगा। आहना ने अपने होठों को कस के बंद कर रखा था और जय के बुरी तरह काटने के बाद भी उन्हें खोल नहीं रही थी। जय ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और उसके गले को दबाते हुए कहा, तुम सांस लेने के लिए भी मुंह नहीं खोलोगी। आहना का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। तभी कमरे में वो सारे आदमी आए और उन्होंने कहा, जय अगर तू उसे मार देगा तो हमारा क्या होगा, तूने कहा था ना तेरी बीवी बहुत ज़्यादा मस्त है और तू उसे हमें देगा। जय ने आहना के गर्दन को छोड़ा और उसे लात मारकर नीचे गिराकर कहा, तुम सब साथ में क्यों नहीं आते। शब्दों को सुनते ही आहना भगवान से मौत की दुआ करने लगी। आदमी घटिया तरीके से मुस्कुराए और अपने कपड़ों को उतारते हुए उन्होंने कहा, यह मजेदार होगा। दो लोगों ने आहना के हाथों और पैरों को पकड़कर रखा था और बाकी सब उसे घेर कर खड़े थे और एक आदमी उसके सामने था। जय बेड पर बैठकर शराब पीते हुए उस नजारे को देख रहा था, पर उसके चेहरे पर किसी तरह का नाजुक भाव नहीं था, उसे तो बल्कि मजा आ रहा था। आहना के चिल्लाने की आवाजें जय को म्यूजिक की तरह लग रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ करता, कमरे का दरवाजा एक आवाज से खुल गया और सबकी नजर उस तरफ चली गई जहां एक आदमी था। नीले रंग का सूट पहना आदमी गुस्से में बाहर खड़ा था। जय की नजर जैसे ही उस पर गई, वो बेड से उठा और उसने दरवाजे की तरफ जाकर कहा, तू यहां यहां क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है तू तेरी महबूबा को बचा लेगा? नहीं, आज तो वो बहुत मजे करेगी। ये कहते हुए वो सिद्धार्थ को मारने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया और उसकी छाती पर लात मारते हुए कहा, देखते हैं कौन किसे बचाता है। ये कहकर वो बुरी तरह जय को मार रहा था। बाकी आदमी अब तक वहां पहुंच चुके थे और सब मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे, पर उनके पास किसी तरह की फाइटिंग स्किल्स नहीं थी जो कि सिद्धार्थ के पास थी। सिद्धार्थ उन सब पर भारी पड़ रहा था, लोगों का झुंड अपने हाथ पांव मार रहा था, पर किसी ने सिद्धार्थ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वहां खड़ा हर एक इंसान जमीन पर पड़ा था। सिद्धार्थ ने आहना की तरफ देखा और अपना कोट उतारकर उसे उड़ाते हुए कहा, तुम ठीक हो? आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास कौन है। उसने सिद्धार्थ को धक्का देते हुए कहा, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे मत छुओ। उसे इस तरह देखकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लग रहा था। उसने जोर से उसे गले लगाया और कहा, ये मैं हूँ, शांत हो जाओ। आवाज़ को पहचानते ही आहना शांत हो गई। तभी वहां पर कई सारे पुलिस अधिकारी आ गए और इन सबको अपने साथ स्टेशन लेकर गए। वो एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था क्योंकि जगह थोड़ी दूरी थी। आहना सिद्धार्थ के साथ बैठी थी और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सिद्धार्थ कब से उसे देख रहा था।
उसका शरीर कई सा था जो न जाने कितने अलग अलग तरीके से दिए गए थे। उन्हें देख देख कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन सभी लोगों को जान से मार दे। एक ऑफिसर उनके सामने बैठा था और अपने मुंह में वह पान चबाते हुए उन दोनों को देख रहा था। उसने कहा, यह क्या है और इतने सारे लोगों को तुमने क्यों पीटा है? ये कहते हुए वो सिद्धार्थ को देख रहा था। सिद्धार्थ एक नज़र में से देख कर बता सकता था कि वह एक करप्ट ऑफिसर था। फिर भी उसने शांति से सारी बातों को उसे एक्सप्लेन किया कि जब अहाना ऑफिस से निकली थी और वो उसके पीछे बाहर आया था, तब उसने एक वैन में किसी को उसे ले जाते हुए देखा था और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे वह जगह मिली थी और उसके बाद की सारी कहानी उसे बता दी। पर जैसे ही उसकी नज़र उस ऑफिसर पर फिर गई, उसने देखा ऑफिसर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। धैर्या का घर। रावी ने जल्दी से वॉशरूम में घुसकर अपनी बहन को खींचा जो बाथटब में डूबते जा रही थी। जैसे ही वीरा का चेहरा पानी से बाहर आया, वो जोर जोर से खांसने लगी और उसके मुंह से काफ़ी सारा पानी बाहर आने लगा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे अपने आंसू को छुपाने के लिए उसने खुद को पानी में डाल दिया था। रावी ने उसको ज़मीन पर बैठाकर जोर से गले लगाया और कहा, देख ये आप क्या कर रही थी? उसकी बहन को स्ट्रेस ट्रॉमा था और ये बात वो भूल गई थी। फिर भी वो अपनी मम्मी को ये नहीं बता सकती थी क्योंकि उसकी मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम थी। छोटी सी बच्ची अपनी माँ और बहन की बीमारी के बीच फंस चुकी थी। रावी ने वीरा को कमरे में ले जाकर उसके कपड़े बदले और बालों को सुखाते हुए उसे डांटने लगी। उसने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप तो हमारी स्ट्रेंथ है ना, अगर आप भी हार मान लेंगी तो हमारा क्या होगा? रावी ही जानती थी, जब उसने वीरा को उस तरह टब में डूबा हुआ देखा था तो उसकी जान उसके गले में आ चुकी थी। उसने वीरा को बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर किया और कमरे के बाहर आ गई, जहां उसकी माँ परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। दोनों लड़कियों को पसंद नहीं था कि उनकी इजाज़त के बिना कोई उनके कमरे में आए, यहां तक कि धैर्या भी, इसीलिए वो बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही उसने रावी को आते देखा, उसने उसके पास जाकर कहा, क्या उनका गुस्सा शांत हुआ? हम उनसे बात करें? रावी ने सिर उठाकर अपनी परेशान माँ की तरफ देखा और उसे सच बता देना चाहती थी, पर वो ऐसा करने के लिए खुद को नहीं मना पाई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई, जहाँ वीरा सो रही थी। धैर्या ने देखा वीरा के बाल थोड़े गीले थे और उसका चेहरा थोड़ा सा फीका दिख रहा था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसका दिल टूटने लगा था। उसने वीरा के पास बैठकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, हम आपको कैसे समझाएं, वो बुरे इंसान नहीं है। किस्मत में हम चारों को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि कोई रिश्ता नफरत मांग रहा है तो कोई रिश्ता प्यार। हम आपके दिल की करवाहट को जरूर मिटा देंगे। ये कहते हुए उसने वीरा के बगल में लेटकर उसे गले लगा लिया। रावी भी जल्दी से बेड पर चढ़ी और अपनी मम्मी को गले लगाकर लेट गई। इस समय यही एक चीज़ थी जो उसे सुकून दे सकती थी, उसकी माँ और बहन जो सही सलामत थी। रॉयल होटल, कमरा नंबर 1506, जहाँ पर पिछली बार तेजस ने निधि को धोखा देकर बुलाया था। कमरे के अंदर तेजस उसी सोफे पर बैठा था और उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। निधि उसे घूरते हुए देख रही थी। उसने उसके हाथ से ग्लास छीना और उसमें बची सारी रेड वाइन पीकर ग्लास उसके हाथ में वापस देकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम हर बार मुझे ब्लैकमेल करोगे? तेजस ने निधि को अपनी गोद में खींच लिया और उसे अपने करीब करते हुए कहा, जो चीज़ या बात तुम्हें मेरे पास लाएगी, मैं उसे हर तरीके से इस्तेमाल करूंगा। निधि ने अपना सिर उठाकर परेशान होकर कहा, तेजस तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत अजीब होते जा रहा है? तेजस ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, मुझे तो ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम कॉलेज डेज में वापस आ गए हैं, जहां मैं तुम्हारा पीछा करता रहता था। निधि ने मुंह बनाया और कहा, तब की बात अलग थी। तेजस ने उसके डीप नेक वाले टॉप को देखते हुए कहा, सच कहा, तब तुम इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुई थी और इतनी हॉट भी नहीं लगती थी। निधि ने देखा कि वह कहाँ देख रहा है और उसके गाल पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम सुधर जाओ। तेजस ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, अगर मैं सुधर गया तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी होगी। ये कहते हुए वो उसके गले और कॉलर बोन पर बाइट करने लगा। निधि ने अपने हाथों से उसके सिर को ऊपर की ओर कहा, और वो कैसे? तेजस ने निधि के बंधे हुए बालों को खोलते हुए कहा, अगर मैं सुधर गया तो मैं किसी भी तरीके से और किसी की परवाह किए बिना लोगों को मारकर भी तुमसे शादी कर लूंगा, भले फिर तुम उसके लिए राजी हो या ना हो और मुझसे दूर भागो, पर फिर भी तुम सिर्फ एक कैदी बनकर मेरे पास रह जाओगी। निधि ने राहत की सांस ली और मन में कहा, फिर तो इसे सुधारना ही नहीं चाहिए। फिर तेजस दोबारा उसे किस करने लगा। तभी निधि ने मन में कहा, जख्म कुछ शरीर पर होते हैं तो कुछ दिल पर, लेकिन हर जख्म दर्द की जगह मौत की दुआ करता है। अकेलापन और आत्मा को खोने का डर हर पल जहन में भरता है। एक उम्र खत्म होने पर भी उस एक चुंबन से ये दिल हमेशा डरता है।